Hello, my dear students. Welcome back to AK Public School. How are you? Fine. Yes. आशा करता हूँ कि आप सब फाइन होंगे, अपने क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे जो हमने पढ़ा कल, चैप्टर वन ग्रीन प्लांट्स द फूड फैक्ट्री, उसको आप लोग याद रखे होंगे। तो अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स द फूड फैक्ट्री में पार्ट्स ऑफ ए लीफ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलग अलग पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग होते हैं ताकि उनका पहचान किया जा सके। जैसे मैंगो लीफ, मैंगो ट्री का लीफ अलग होता है, पपाया ट्री का लीफ अलग होता है, नीम ट्री का लीफ अलग होता है, बनियन ट्री का लीफ अलग होता है, गावा ट्री का लीफ अलग होता है। तो अलग अलग पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर पत्तों में कुछ सेम चीज भी होता है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए लीफ। लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लीफ का फिगर बनाया है और उसके पार्ट्स को मैंने डिनोट किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी पत्ते होते हैं उनके बीचों बीच एक लाइन जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। आपके आप कोई पत्ता लेंगे तो उसके बीचों बीच एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड वेन, मिड वेन कहते हैं। और ये पत्तों के अंदर जो रहता है लाइन, इसको हम लोग मिड वेन कहते हैं। और पत्ते के बाहर जो पार्ट रहता है ये थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग पेटियल कहते हैं। तो पेटियल से होते हुए ये मिड वेन क्या होता है, यहाँ थोड़ा मोटा और थोड़ा सा पतला होते जाता है और आगे जाते हुए क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है लीव्स के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे यहां से ये डिवाइड होना शुरू हुआ और ये यहाँ पे बन गया साइड वेन। और ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं, इसे लैमिना भी हम लोग कहते हैं। तो हमने देखा जो फ्लैट पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट एकदम, जैसे आप यहाँ पे ब्लेड लिखा हुआ है तो जस्ट कंसीडर ए ब्लेड, हाउ अ ब्लेड इज। तो हम लोग देखेंगे कि ब्लेड क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है। तो उसी तरह जो पूरा फ्लैट पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। तो लीफ के कंसिडरेशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड बोलेंगे। पेटियल और मिड वेन और ये हो गया साइड वेन, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब हम लोग देखेंगे कि इनका काम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेटियल, पेटियल का काम क्या है, ये स्टेम से मतलब कि ब्रांच से क्या करता है, पत्तों को जोड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है इसके जस्ट आगे से मिड वेन। मिड वेन क्या होता है कि जो भी हमने क्या पढ़ रहे हैं, द फूड फैक्ट्री, यानी कि जो भी पढ़ेंगे इसमें फूड्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि फूड कहां बनता है, वो बनता है पत्तों में, ठीक है। तो पत्तों को फूड बनाने के लिए कुछ जरूरी मटेरियल्स चाहिए, वो मटेरियल्स किस रास्ते से आते हैं, वो पेटियल से होते हुए मिड वेन और मिड वेन से होते हुए साइड वेन से सारे पत्तों में डिवाइड हो जाते हैं। और जब यहां से जो फूड प्रिपेयर होता है वो फूड फिर से कहां चला जाता है, साइड वेन से मिड वेन, मिड वेन से होते हुए पेटियल में, पेटियल से ब्रांच में, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है और सारे पार्ट्स में, एक प्लांट के सारे पार्ट में वो फूड पहुंच जाता है। तो हमने देखा पेटियल का काम, मिड वेन का काम, साइड वेन का काम, और लीफ ब्लेड क्या है, जो फ्लैट पार्ट है, ठीक है। और भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, हम देखते हैं कि पेड़ों के ज्यादा पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं। हरे क्यों होते हैं, क्योंकि हरे पत्तों में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कुछ चीजें प्रेजेंट होती है हरे कलर की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसको आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। तो हम इस लीफ के स्ट्रक्चर को याद रखते हुए
क्लोरोफिल को भी याद रखेंगे और नेक्स्ट स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? द स्मॉल होल्स, ध्यान रखेंगे यहां पे आपको देखना है ग्रीन पिगमेंट और यहां पे लिप्स, इस तरीके से याद कर सकते हैं, और यहां पे स्मॉल होल्स और स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लिप्स थ्रू विच द प्लांट्स ब्रीद। इसको समझते हैं, द स्मॉल होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, हम उन्हें अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते हैं लेकिन एक मशीन का यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, और माइक्रोस्कोप का यूज करके हम उन छोटे छोटे छेदों को देख सकते हैं। क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये रहते हैं पत्तों पर, और उनका काम होता है ब्रीथ यानी कि सांस लेना। पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? तो स्टोमाटा के द्वारा सांस लेते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं अपने नाक से, हमारे पास ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है, नोज है, लंग्स है, वाइंड पाइप है, ये सब क्या करते हैं हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को बनाते हैं, और ब्रीदिंग सिस्टम होने के कारण हम सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। इसी तरह पेड़ क्या है? लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग ब्रीदिंग करते हैं। तो वो किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं? उनके ब्रीदिंग में हेल्प करता है द स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लिप्स यानी कि पत्तों पर जो छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा के द्वारा ही पेड़ पौधों में श्वसन होता है। तो इन पार्ट्स का क्या यूज है, क्यों हमने इसको जाना, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और वो कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा फोटोसिंथेसिस। यस, पता है आप सबने सुन रखा है, लेकिन कल हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तब तक आपको क्या करना है, जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए, और जो आज हमने पढ़ा है उसको भी पढ़ेंगे और याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। हैव ए नाइस डे, गुड लक, बाय।